हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू मोटिवेशनल वीडियो बाय अमित सेठ। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव। सो दिस इज स्लाइटली टफ एज द पीपल आर सेइंग, बट दिस इज नॉट द टफ। आई मीन एज वी डू द प्रैक्टिस, सो टफ चीज ऑटोमेटिकली विल बिकम व्हाट इजी। सो दिस इज वेरी इजी, एक्टिव एंड पैसिव। इसमें फ्रेंड्स आपको दो चीज याद रखनी है। हम लोग आज इसको सेंटेंस फॉर्मेशन से पूरा लर्न करेंगे कि कैसे कैसे इसको करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो जैसे मैं आई एम टेकिंग जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, पैसिव में बना हुआ है मदर राइट्स एन ईमेल। अब इसमें मदर्स राइट्स एन ईमेल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड? मदर। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ईमेल। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव में क्या करना है। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। जैसे ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो दिस थिंग यू हैव टू यू नो मेमोराइज कि इफ इन केस ऑफ एक्टिव पैसिव, तो यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव? अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या है, एन ईमेल, तो एन ईमेल सब्जेक्ट की जगह आ गया। एन ईमेल इज रिटन बाय मदर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में बाय आता है हमारे पैसिव वाइज में। सो दिस इज पैसिव वाइज। मदर राइट्स एन ईमेल, दिस इज एक्टिव। अब इसको हम पैसिव वाइज में बनाना है, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम व्हाट? सब्जेक्ट। एंड ईमेल इज रिटन बाय मदर, राइट। नेक्स्ट इज सैम इज असेंबलिंग द कंप्यूटर। सैम इज असेंबलिंग द कंप्यूटर। सो इसमें आप फाइंड आउट करो कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें ऑब्वियसली सैम क्या है? सब्जेक्ट है। एंड द कंप्यूटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमको इसको क्या करेंगे, इधर इसको यहां लाना है, इसको यहां लाना है। तो द कंप्यूटर इज बीइंग, द कंप्यूटर इज बीइंग असेंबल्ड बाय सैम। सो क्या बन गया इसका? पैसिव। एनी डाउट, एनी क्वेरी? आई एम जस्ट रिकैपिंग द थिंग्स। सैम इज असेंबलिंग द कंप्यूटर, सैम इज सब्जेक्ट एंड द कंप्यूटर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां पे ले आएंगे, द कंप्यूटर को इज बीइंग असेंबल्ड बाय सैम, सैम को हम यहां ले आएंगे। तो सिंपली कैसे बन जाएगा ये? द कंप्यूटर इज बीइंग असेंबल्ड बाय सैम, दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट इज रीता हैज हेल्प्ड मारिया, राइट। रीता हेल्प मारिया विद हर प्रोजेक्ट। अब इसको हमें क्या करना है, ये क्या है? ये जॉन है। जॉन हैज हेल्प्ड मारिया विद हर प्रोजेक्ट। जॉन हैज हेल्प्ड मारिया विद हर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है? मारिया क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम क्या ले आएंगे? मारिया को आगे ले आएंगे। सो मारिया हैज बीन हेल्प्ड बाय जॉन विद हिज प्रोजेक्ट। सो दिस इज द पैसिव वाइज। इसका पैसिव वाइज है जॉन हैज हेल्प्ड मारिया विद हर प्रोजेक्ट। इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा? मारिया हैज बीन हेल्प्ड बाय जॉन विद हिज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाई डज यू ब्रदर सिंग सच अ सैड सॉन्ग? व्हाई डज योर ब्रदर सिंग, योर आएगा यहां पे, योर ब्रदर सिंग सच अ सैड सॉन्ग। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? हु आर सच सैड सॉन्ग संग बाय योर ब्रदर। हु आर सच सॉन्ग, हु आर सच सॉन्ग संग बाय, संग बाय योर ब्रदर। दिस इज द पैसिव ऑफ दिस। द नेक्स्ट इज हु इज डूइंग द डिशेस, हु इज डूइंग द डिशेस। तुम बाई हुम, बाई हुम आर द डिशेस बीइंग डन, बाई हुम आर द डिशेस बीइंग डन, राइट। हु इज डूइंग द डिशेस, इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा? बाई
whom are the dishes being done? Next, why have you called me here? Why have you called me here? This is active. इसको पैसे कैसे बनाएंगे? Why I been called here by you? Now next is Neeta narrates a story. The children, right? अब इसका passive क्या वैसे बनेगा? The story is narrated to the children by Rita. The doctor treated these patients. Simple active है. अब इसको हमको पैसे बनाना है. तो these patients are being treated by the doctor. So this is again a passive voice. Next, 10th. The student have played this game. Now next is इसका जो passive बनेगा. This game has been played by the student. This is passive voice. Now next is people speak English all over the world. अब इसको हम कैसे पैसे बनाएंगे? English is spoken by people all over the world. Thank you. So this is now, you know, some example I have taken. अभी और भी sessions आएंगे active और पैसे के. तो अभी दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी स्क्रैच लेवल का एक एक्टिव पैसे है. अभी विल गो द थोड़ा हायर लेवल. सो इन दैट वील डू द प्रैक्टिस एक्टिव एंड पैसिव. सो जस्ट बी ट्यून विद मी. स्टे होम, कीप लर्निंग एंड जस्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन्फॉर्म्ड, देन जस्ट क्लिक राइट बटन, दैट इज सब्सक्राइब बटन. एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.